पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बंदरों के हमले से पानी की टंकी पर पेंटिंग कर रहा मजदूर नीचे गिर गया। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरा मजदूर गिरकर घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं नगर निगम के कर्मचारी घायल की हालत को सही बता रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी अभियान के तहत नगर निगम की पानी की टंकी पर पेंटिंग कराकर शहर को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है। शहर के लगभग 9 टंकियों को पेंटिंग के माध्यम से सुंदर बनाने का काम हो रहा है। नगर निगम परिसर में लगी पानी की टंकी पर ठेकेदार के द्वारा मजदूर से पेंटिंग का काम कराया जा रहा है, लेकिन अचानक से बंदरों ने हमला बोल दिया और मजदूर टंकी से नीचे गिर गया, जिसकी हालत नाजुक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मजदूर को बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के मजदूरों से काम कराया जा रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। काम चल रहा था ऊपर, तो ये बंदर आए थे, वो बंदर ही फंसे नहीं। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे? इसको 2 जने कर रहे थे। ज़्यादा चोट आई है? हाँ। कैसे लेकर गए हैं फिर ये लोग? वो काफ़ी देर तो नहीं रह सका, पड़ा था। उसके बाद उसे रिक्शे में डाल के ले गए ठेकेदार, उनका ठेकेदार आया था, वो ले गए। ये वाटर टैंक पर काम चल रहा है स्मार्ट सिटी से, वहाँ ये कार्य कर रहे थे, इतने में बंदर आ गया और बंदर ने हमला कर दिया उस पर लड़के, ये डर के भागा, वो गिर गया लड़का, बता रहा आपने मुँह से खुद ही। ये यहाँ पर काम चल रहा है नाम टोनाल पर। जी जी। तो ये बताइए कितनी ऊंचाई होगी उसकी? 50 फीट के आसपास। तो ये क्या काम कर रहे थे वहाँ? पेंडिंग का काम कर रहे थे, पेंडिंग। आप कहाँ पर लाए आप? अब मैं सिविल लाइन लगाया मतलब ये स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है। जी जी, स्मार्ट सिटी के तहत। कोई मौके पर अधिकारी पहुँचा नहीं? अभी तो सबको बताया है, अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे सब। तो हालत कैसी है? लड़का तो ठीक है, बोल रहा है, लेकिन टांग फ्रैक्चर है उसको। पेशेंट कासिम नाम से है, पिताजी का नाम फताज है। ये आज अभी कहीं काम कर रहा था, वहाँ से 2 मंजिले से गिर गया है ये। इसके ऊपर शायद बंदरों ने हमला किया था, जैसा उसने बताया। और इसकी अभी इस समय अस्पताल में लाया तो गंभीर हालत में लाया गया है। इसकी राइट फीमर फ्रैक्चर है और हेड इंजरी है। उसके अभी अर्जेंट हम ऑर्थोपेडिक्स वाले को दिखा रहे हैं अपने, और वो आकर इसको देखेंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं। अच्छा, किसके द्वारा यहाँ लाया गया है? एक स्क्वाड के द्वारा। क्या काम करता है ये? मजदूर काम करता है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बनी टंकियों को स्मार्ट सिटी के तहत पेंट कराकर स्मार्ट बनाया जा रहा है। टाउन हॉल पर टंकी पर मजदूर काम कर रहा था, जिस पर बंदरों ने हमला कर दिया और डर कर मजदूर नीचे गिर गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वो अब ठीक है। अचानक वहाँ पे क्या हुआ कि बंदरों ने हमला कर दिया उनके ऊपर, 3-4 बंदरों ने हमला कर दिया, तो 2 थे, एक तो बच के निकल गया, एक के ऊपर हमला करने से वो घबरा गया और उसका जो पैर उसमें फिसल गया वहाँ से। हालांकि बेल्ट बांध रखी थी उसने रेलिंग से, लेकिन फिर भी स्लिप हो गया, टूट गई, गिर गया है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि उसके वो ठीक है, हॉस्पिटलाइज किया गया उसको। टीआर के लोग उसको तुरंत ले गए हॉस्पिटल, दिखवा लिया, चेकअप करा लिया, थोड़ा चोटें आई हैं उसकी, लेकिन होश में बात कर रहा है, ठीक ठाक, जल्दी ठीक है। जो स्मार्ट सिटी के तहत वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है? 9 टंकी बना रहे हैं हम लोग। तो सर, कोई जब टेंडर दिया जाता है क्या कोई मानक होते हैं कार्य करते हुए? क्या मानक? मतलब सेफ्टी के में? हाँ, सेफ्टी के मानक होते हैं कि उनको प्रिकॉशन से कि वही कोई चोट डंड लगे और बेल्ट वेल्ट आदि बांध के वो काम करें, उसी प्रकार से सेफ्टी मेजर पूरे अपनाते हुए वो काम कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक हमला हुआ तो उसके लिए तो कोई प्रिपेयर होता नहीं है, लेकिन जो है इसका जो दायित्व है पूरा चेकअप कराने का, ठीक कराने का, वो ठेकेदार का होता है और वो करा रहे हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जिसको चोट लगी है उसको पूरा इलाज ठीक से हो और कोई कमी ना रहे। कितनी ऊंचाई होगी सर? लगभग 20 मीटर करीब तो होगी, 18-20 मीटर। सर, क्या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है जो इस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, सेफ्टी इक्विपमेंट दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब साइड पे काम करते हैं तो कभी कभी हादसे हो जाया करते हैं, लेकिन जब है तो ये इंश्योर करना है कि जिसको चोट लगी है उसको प्रॉपर इलाज मिले, पूरा इलाज मिले, और हम लोग इंश्योर भी करेंगे आगे से इस तरीके का। सेफ्टी के कोई मानक रहेंगे? हाँ, मानक तो हम लोग लेते हैं पूरा, जो भी शटरिंग वटरिंग लगा के चलते हैं हम लोग, के शटरिंग लगी रहे, कोई गिरे ना, कुछ ना हो, लेकिन अचानक इस तरह से हमले के लिए तो कोई भी हो सकता है इस तरह के हाथ से, लेकिन ये अब चोट लगी है तो उसको इलाज हम पूरा कराएंगे, प्रॉपर इंश्योर करेंगे, कर भी रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।